अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट रहेंगे। और आ गए हम एक और पबजी का ब्रांड न्यू वीडियो लेके। ये वीडियो में हम गेम प्ले नहीं खेल रहे हैं, हम गेम नहीं खेल रहे हैं। बस एक चीज़ थी जो मतलब अभी अभी अब पबजी अपडेट में आई थी, जैसे आप लोगों को पता होगा एक नया स्कोप आया है, कैंटेड साइंस स्कोप जो आया है। तो उसके लोग काफ़ी टिप्स दे रहे हैं कि आप उसको इस तरह यूज़ करें, इस तरह यूज़ करें। और ख़ासतौर पर जो पबजी अपडेटर्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ये की समझ में नहीं आ रही कि हम कौन सी की बनाए जो उस कैंडिडेट को यूज़ हम कर सकें बहुत इजीली। तो मैं आपको बताता हूँ, परेशान मत हो, आपका दोस्त आपका भाई यहाँ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कर दो वीडियो को, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। और जो जो इस चैनल में नया है, जो जो मेरे चैनल पर नया आया है, प्लीज़ 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 मेरा चैनल फुल ऑफ कंटेंट, एक बार जाके हर वीडियो को देख लो, प्लीज़ लाइक कर दो। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और डेली अपलोड कर रहा हूँ, मतलब एक डेढ़ हफ्ते से नहीं कर रहा, पर उससे पहले मैं रेगुलर ही था। क्योंकि जब ये रैमसमवेयर लगा तो मतलब सारा मैं डिस्टर्ब हो गया। ओह शिट, इतना गंदा बग, ये कौन सा लाइक भाई। हाँ स्टार्ट करते हैं कहानी आज की। मैं M4 उठा रहा हूँ जो कि सबको पसंद है, और M249। अरे गोलियों की आवाज़ ना बहुत मतलब सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक्सटेंडेड कंपेंसेटर और स्टॉक लेजर MO5 का, अब रेड डॉट 6x और 3x और कैंटिक कंप्लीट है, कैंटिक कैंटिक 3x। हाँ तो हम चलते हैं यहाँ से फिर थोड़ा दूर, ताकि हम लोग को मसले वसले ना हो। या आवाज़ जो आ रही है ना ये बहुत बुरी लग रही है मेरे। भागो 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 भागो, आप भाई प्लीज प्लीज सर प्लीज भाई लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। हाँ भाई, तो अब बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में आना है। मैं पीक फायर और ये ओपन स्कोप तो ऑन रखता हूँ। ये जो कैंटेड साइट बटन जो है, इसको या आपके टैप टू यूज स्कोप होगा, उसको करना है टैप टू स्विच स्कोप। ठीक है, टैप टू स्विच स्कोप करना है। और फिर आना है अपने कंट्रोल्स में, कस्टमाइज, तो जो भी सेटिंग है आपकी, ये मतलब लेफ्ट पीक समझाता हूँ, ये मैंने रिसेट कर दिया। हाँ ये रहा वो कैंडिड साइट का बटन, जो कि कैंडिड साइट के स्कोप लेके आता है, साइड 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 पे लेके आता है। तो मैं जो लेफ्ट पीक है उसको साइड पे करके, और जो कैंडिड साइट का बटन है उसको रख दूँगा लेफ्ट पीक की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे काम हो चुका है, पबजी जो मोबाइल प्लेयर है ना उनका यहाँ काम हो चुका है। क्योंकि लेफ्ट पीक में आपका वैसे भी जो बॉडी रिवीलिंग पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिख जाता है, तो आमतौर पर बंदा राइट पिक ही लेता है और इसमें बंदा किल हो जाता है अगर होना होगा तो। ठीक है, लेफ्ट पिक के कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, अब बात आ गई पबजी एमुलेटर वालों की, वो अपनी की मैपिंग खोलें और इसको एक बार चेक कर लें कि जो क्यू की जो सेटिंग है ना ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट ऊपर हो, ताकि परफेक्टली हमेशा काम करे। ठीक है, फिर बस आपको करना है सेव। कौन मनुष्य मुझे मार रहा है यार, तंग नहीं करो, वीडियो बना दो यार। हाँ हम आ चुके हैं बेसिकली, अब बहुत मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका स्कोप 3x, व्हेन यू प्रेस क्यू ये आपका कैंडिडेट। ठीक है, आपकी लेफ्ट जो लेफ्ट पीक है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब वो कुछ खास काम की भी नहीं है। और ये देखें वाइल्ड फायरिंग भी ये काम में, ये जैसे मैं फायर कर रहा हूँ वाइल्ड फायरिंग भी ये ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसे ही अगर हम M249 की बात कीजिए करें तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही, मतलब अगर जो इसका पहले हम 3x बना लेते हैं। हाँ रिकॉइल भी ना थोड़ा सा कम हो जाता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। जैसे कि ये रहा पेट्रोल पम्प, बाकी
मतलब एक आसान सा तरीका है जो मतलब मुझे लगता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके भी काम आएगा ये। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, सेटिंग दोबारा देख लेना समझ में ना आए, बहुत इजी सेटिंग है और इंशाल्लाह मतलब बहुत सही काम कर रही है। और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले गेम प्ले में, जब तक अपना ख्याल रखना और स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।